नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरकिरत और आप देख रहे हैं टेक रिकी। आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको पांच ऐसी वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि आपके काफ़ी यूज़ आएंगी और आप उन्हें देखकर कहोगे क्या बात है। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हमारी सबसे फर्स्ट वेबसाइट की, जिसका नाम है wazirx.com। तो आपने बिटकॉइन ट्रेडिंग तो सुना ही होगा, तो अगर आपने नहीं सुना तो हमारी ये वीडियो देख लो। तो ये वेबसाइट भी एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग वेबसाइट है, जिसकी मदद से आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही पैसे कमा सकते हो। और इनमें से फर्स्ट नंबर पे बिटकॉइन आता है, वो भी इसके अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप काफी आसानी से बाय और सेल कर सकते हो अपने बिटकॉइंस को। तो अब दोबारा से शायद फिर लॉकडाउन लग जाए तो आपके लिए वेबसाइट काफी यूजफुल होगी। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जितनी भी वेबसाइट्स हैं वो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उन वेबसाइट्स को चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पढ़ते हैं हमारी सेकंड वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है getnotify.com। आप सभी लोग ईमेल तो भेजते ही होंगे। हाँ, मुझे पता है व्हाट्सएप आ चुका है और भी काफ़ी सारे मैसेजिंग ऐप्स आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कई प्रोफेशनल कामों के लिए आज भी ईमेल यूज़ की जाती है। तो ये वेबसाइट क्या करती है, इस वेबसाइट के अंदर अगर आप अपनी ईमेल आईडी या फिर जीमेल आईडी भरते हो और इस वेबसाइट की मदद से अगर आप अपनी ईमेल किसी को सेंड करते हो, तो ये वेबसाइट उस ईमेल पर ट्रैक रखती है कि आपने जिसको ईमेल भेजी है उसने खोल ली है और उसने पढ़ ली है या फिर नहीं। तो ये एक काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है, आप सभी को इस वेबसाइट को यूज़ करना चाहिए। लेकिन मैं आप सभी को वार्निंग दे देना चाहता हूँ कि अगर ईमेल के अंदर कुछ कॉन्फिडेंशियल डेटा है तो आप इस वेबसाइट को मत यूज़ करना, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर हमें नहीं पता कि ये वेबसाइट हमारी ईमेल को रीड कर सकती है या नहीं। तो अगर नॉर्मल आपने चैटिंग करनी है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है। तो अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है screenshot.guru। तो आप सभी लोग स्क्रीनशॉट तो लेते होंगे और आप सभी को पता भी होगा कि स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, लेकिन दोस्तों इस वेबसाइट में कुछ अलग बात है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट तो लेते हैं लेकिन उसके अंदर जो रेजोल्यूशन होती है वो काफ़ी बढ़िया नहीं होती है। तो अगर आप किसी भी वेब पेज या फिर वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट की मदद से आप ले और आपको काफ़ी बढ़िया रेजोल्यूशन के अंदर एक स्क्रीनशॉट रेडी मिलेगा। तो ये काफ़ी बढ़िया वेबसाइट है अगर आप काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स लेते रहते हैं। तो क्या दोस्तों, आप हर वेबसाइट के अंदर ईमेल आईडी से लॉगिन या फिर रजिस्टर कर करके थक चुके हो? तो आपके सामने पेश है एक नई वेबसाइट जिसका नाम है bugbynot.com। तो दोस्तों, ये वेबसाइट क्या करती है कि आपको लॉगिन करने के लिए हर वेबसाइट के अंदर एक लॉगिन और यूज़र नेम दे देती है। तो आपको इस वेबसाइट के अंदर जाके उस वेबसाइट का लिंक भरना है जिस वेबसाइट के अंदर आप लॉगिन करना चाहते हो। तो आप जब URL भरोगे तो उसके बाद आपको लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम और पासवर्ड देखने को मिल जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स हैं, क्योंकि ईमेल्स बार बार आती रहती हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है और हर वेबसाइट के अंदर लॉगिन करना भी काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट वेबसाइट की तरफ, जिसका नाम है techcrunch.com। तो दोस्तों, अगर आपको टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आपके लिए ये वेबसाइट काफ़ी यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वेबसाइट के अंदर आपको लेटेस्ट न्यूज़ और आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे जो कि टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड हैं। आपको लेटेस्ट न्यूज़, लेटेस्ट अपडेट्स और आर्टिकल्स आपको इस वेबसाइट के अंदर देखने को मिलेंगे। तो यही थी कुछ पांच ऐसी वेबसाइट्स जो कि आपके लिए काफ़ी यूजफुल थी। तो दोस्तों, मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जब मैं इन वेबसाइट्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था कि कौन सी ऐसी पांच वेबसाइट्स जो काफ़ी यूजफुल हैं, तो उनमें से एक वेबसाइट SBI थी जो कि था privnote.com। तो ये वेबसाइट क्या करती है कि आपका जैसे फ़ोन के अंदर नोट्स होते हैं वैसे ही ये ऑनलाइन नोट्स हैं जो कि आप शेड्यूल कर सकते हो कि कुछ टाइम बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके ऊपर इसका मेन यूज़ ये लिखा हुआ था कि आप अपने बैंक क्रेडेंशियल्स या फिर अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड का पिन है और CVV है इसके अंदर सेव कर सकते हो और थोड़ी देर तक आप इसे यूज़ कर सकते हो और ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि ये वेबसाइट्स हमारे नोट्स को पढ़ सकती हैं या फिर नहीं। अगर मान लीजिए आपने अपना बैंक अकाउंट और अपना IFSC कोड और सभी कुछ आपने इसके अंदर भर दिया है, तो आपको फिर अगले दिन कॉल करके कस्टमर केयर से ये पूछना पड़ेगा कि मेरे बैंक से पैसे कैसे चले गए। दोस्तों, ऐसी वेबसाइट्स पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। हाँ दोस्तों, अगर आप भूल जाते हो अपना बैंक के क्रेडेंशियल्स वगैरह, तो अपने फ़ोन के अंदर जो नोट्स ऐप होता है, एप्लीकेशन जो कि ऑफलाइन एप्लीकेशन है, उसके अंदर आप ऐसे
अपने डाटा है उसे सेव कर सकते हो, लेकिन ऑनलाइन किसी वेबसाइट पर ऐसे सेव करना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना। हम आपके लिए इसी वीडियो लाते रहेंगे और आपका नेट पैक खर्चाते रहेंगे। धन्यवाद।